नमस्ते प्यारे दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विनोद तथा आज आपको कुछ शोल्डर की एक्सरसाइज बताएंगे, उसके पेन को कैसे रिलीफ करना है। उससे पहले ये बताना चाहूँगा मैं कि जब भी आप कोई मिस्टेक करती हो, जैसे आपने जिम में कोई वेट उठाया, उसका चेस्ट का लगाया या बैक का लगाया, या आपने कोई डंबल उठाए हैवी, तो उससे पहले 10 या 15 मिनट आपने वार्म अप नहीं किया, आपने एक सेकंड या एक मिनट किया, जिससे आपकी जो ये शोल्डर की मसल्स हैं ये गर्म नहीं हुई। देखो, आप को भी पता है लोहे को जब गर्म किया जाता है तभी उसके ऊपर चोट लगाई जाती है। मान लीजिए यह जो आपके शोल्डर हैं या ये शोल्डर हैं, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ठीक है, इसमें ज्वाइंट है और मसल्स हैं जिसने इसको सपोर्ट किया हुआ है। ये अभी ठंडा है, जब वेट उठाओगे एकदम हार्ड इससे, तो क्या है कि जैसे जो ठंडा लोहा होता है वो गर्म नहीं होता, ऐसे या एक तो वेट नहीं उठा सकोगे, दूसरा इसमें अभी गर्मी नहीं है, तो कहीं भी शोल्डर का मांस फट सकता है, आपके जो बोन्स हैं उसमें स्ट्रेन आ सकता है, इवन जो शोल्डर है उसमें स्ट्रेस आ सकता है, टेंशन आ सकती है, तो वो फ्रोजन हो सकता है, तो इस वजह से उसमें पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो उसके बाद आप तो आप जैसे ये हाथ ऐसे करोगे या कोई चीज उठाओगे तो यहाँ आपके ये वाला सर्कल टोटल पेन करेगा। तो फर्स्ट तो है, अभी जिम में हार्ड एक्सरसाइज मत कीजिए जब तक यह पेन ठीक नहीं होता। सेकंड क्या होता है कि कभी कभी आप स्ट्रेस लेना लग जाती हो। स्ट्रेस से क्या है कि खून का फ्लो है मसल्स में नहीं जाता, प्योर ऑक्सीजन नहीं जाती, तो स्ट्रेस रिलीफ कीजिए, प्योर ऑक्सीजन डालिए बॉडी में। तथा कभी कभी आपका जो सीटिंग होती है वो बिल्कुल गलत होती है, स्ट्रेट रहना चाहिए, आप ऐसे झुके हुए या ऐसे सिट करते हो या सोते हो तो भी यह पेन करेगा। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले जो शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी है वो हम शोल्डर फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज से करेंगे, तो उससे पेन में रिलीफ होगा। ये देखो, ये मैंने अपने शोल्डर इधर रख दिए। अब धीरे धीरे 10 तक गिनती करना है। 1, 2, अब देख रहे हो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अभी से 10, 20, 30, 50 कर सकते हो। उसके बाद हमने शोल्डर्स को घुमाना स्टार्ट करना है। ये देखिए, ये शोल्डर है, आप इधर हाथ भी रख सकते हो, इसको घुमा सकते हो। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। बैक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। जितनी ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतना ब्लड जाएगा, उसमें न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जाएगी तथा पेन कम हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ओके, इसके अलावा हमने बैक जो हैंड है उसको आपस में जोड़ना है, उससे भी पेन में रिलीफ होता है। ये देखिए, ये आपका बैक है, तो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। ऊपर भी देख लीजिए, नीचे भी देख लीजिए। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, अभी हाथ जा नहीं रहा, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। ये आपका बैक हैंड को ज्वाइन किया ऐसे, वैसे ऐसे होता है, अगर यहाँ भी उंगली भी लग जाती है बहुत अच्छा है, इसका अगर हाथ नहीं लगता तो तौलिया ले लीजिए। ये 1 है और ये 2 है,
इसको घुमा सकते हो 10 टाइम्स 20 टाइम्स कर सकते हो, आपके पेन जो है आपके शोल्डर में कम होगा। उसके बाद शोल्डर जो क्रॉस करना है फॉरवर्ड और बैकवर्ड, ये देखिए ये है, ये हमने क्रॉस कर लिया 1, आप पूरा भी कर सकते हो यहाँ यहाँ से 1 2 3 4 जहाँ तक जा सकता है आपका हाथ, ठीक है 4 5 6 7 8 9 8 10। आप देख रहे हो ना ये शोल्डर है, और जब यहाँ जाता है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है, जब ये यहाँ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ये ऐसे ही बैक कर सकते हैं। इसको देखिए, ये देखो यहाँ खींचिए 1 2 3, ये देखो आपके शोल्डर क्रॉस हो रही है शोल्डर प्लेट्स, 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके अब पीटी भी कर सकते हो शोल्डर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, दिस इज 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेग्स मिलेगा इससे। लंबा सांस ले लीजिए, 10 तक गिनती कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक बार फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके अब हमने बेंड करना है अपर बैक को, ये वाली साइड सारी जो बैक है, अगर यहां भी है यहां भी है यहां भी है, वो एक्सरसाइज होगी। यहां देख लीजिए 7th एक्सरसाइज है, ये देखो ये है यहां यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ओके दोस्तों, इस तरह से आप शोल्डर के पेन के रिलीफ की एक्सरसाइज कर सकते हो। सुबह कीजिए, दोपहर को कीजिए, शाम को कीजिए, रात को भी कीजिए, जब भी पेन है तब भी कीजिए, मेडिसिन मत खाइए, ठीक है। तो इसमें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी आएगी, ये देखो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए है, घुमाइए और इधर घुमा सकते हो। ओके तो यह एक्सरसाइजेज हैं, जितना घुमाओगे स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना, जिस तरह मर्जी घुमा लीजिए। ओके ओके और यहां से यहां ये आपके हाथ हैं, ये हाथ लगा सकते हो आप सबने इस वीडियो को देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो को शेयर करना शेयर बटन दबाइए, लाइक करना है लाइक बटन दबाइए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, कोई क्वेश्चन पूछना है कमेंट दीजिए या व्हाट्सएप कीजिए 9352 9352 9352। ओके आप सबने वीडियो देखा, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।